राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज सत्यनारायण भगवान का मैंने पूजा किया है और जो कुछ भी मेरे पास था उससे मैंने पूजा कर लिया है। यहाँ पे मैं पंचामृत बना ली हूँ, खीर बना ली हूँ और केला और बतासे का भोग लगा दी हूँ। और चूरण नहीं बना पाई हूँ, जो पंजीरी होता है मैं नहीं बना पाई हूँ। और मेरे पास जो कुछ भी था वो मैं बना ली हूँ। मेन भगवान भाव का भूखे होते हैं, ऐसा नहीं कि जो आपके पास नहीं है उससे आप भोग लगाना ज़रूरी है। तो मेरे पास जो कुछ भी था उससे मैंने भोग लगा दिया और पूजा किया है। तो आज सत्यनारायण भगवान का मैंने कथा किया है। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान, और मेरा मंदिर बहुत छोटा है तो इसी में मैं सत्यनारायण भगवान का फ़ोटो, विष्णु भगवान का फ़ोटो रख ली हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन है, आज गुरुवार का दिन भी पड़ा है और आज पूर्णिमा भी है। तो आज के दिन मैं हर महीने भगवान का पूजन कथा करती हूँ और इसी तरह से पूजा वगैरह जो कुछ भी मेरे पास रहता है उससे मैं पूजा वगैरह करके और कथा मैं ज़रूर करती हूँ हर पूर्णिमा को। तो भगवान हर किसी का मनोकामना इसी तरह पूर्ण करते रहें। तो यहाँ पे मैंने खीर बना लिया है और सत्यनारायण भगवान का कथा मैंने किया है। उसके बाद छोटा सा हवन भी मैं कर ली हूँ घर में। और आज के दिन हवन ज़रूर कर लेना चाहिए, छोटा सा ही करिए लेकिन अपने घर में पूजा करने के बाद आज पूर्णिमा के दिन आपको हवन ज़रूर करना चाहिए। तो मैं छोटा सा हवन भी कर ली हूँ और उसके बाद आरती वगैरह आप कर लीजिए, आप भगवान को आश्विनी कर लीजिए। तो यहाँ पे आज गुरुवार का दिन है तो मैं यहाँ पे केले के वृक्ष का भी पूजन की कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पौधे के पास थोड़ा सा सफाई कर दी हूँ, उसके बाद दीपक जला ली हूँ, धूपबत्ती जला ली हूँ और जल देने के बाद चंदन से टीक कर और सिंदूर से मैं टीकी हूँ केले के वृक्ष को। और फिर उसके बाद आपको केले और चने और गुड़ का और केले का मैं भोग लगाई हूँ और पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिए और भगवान को रक्षा सूत्र चढ़ा दीजिए वस्त्र रूपी। तो यहाँ पे मैंने बस छोटा सा भगवान विष्णु का केले वृक्ष का मैं पूजा की हूँ। वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का पूजा करने के बाद केले का मैं पूजा की हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर कुछ भी आपको मतलब अच्छा या बुरा जो भी कुछ लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं 5 बार केले वृक्ष का फेरे दी हूँ और फिर उसके बाद आचमनी करने के बाद भगवान का पैर छुई हूँ। तो